Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. आप जब ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे तो बदल के क्या करेंगे, मतलब उसमें क्या आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हो सकता है संविधान में? बहुत सारी चीज़ है, बिकॉज संविधान ये जो है हमारे पास, अब देखिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से राइट टू एजुकेशन लाया, वो राइट नहीं था, राइट टू फूड सिक्योरिटी लाया, राइट टू हेल्थ मिशन लाया जो, और हमने ये भी किया कि RTA एक्ट लाया। तो ये बहुत से चीज़ें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है वो हक में बदल सकते हैं, जो हक में है टू थर्ड मेजोरिटी करके, हो सकता है कल के दिन बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एडेड इंस्टीट्यूशन में जो कांग्रेस ने उनको रिजर्वेशन दिया था, तो अब वैसे चीज़ें मेरिट के नाम पे निकाल सकते हैं। अब कितने हैं, कितने सेक्रेटरीज हैं, और आपने बाहर के लोगों को लाके उनको टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर लेके बाद में आप लोग परमानेंट कर रहे हो, और वैसा ही आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के क्यों नहीं करते? तो ये आसान है, क्या करते हैं वो जब उनके हाथ में आए करेंगे, जैसा कि अब ऑटोनोमस बॉडीज को क्या कर रहे हैं, क्या पहले कोई ऐसा मिसयूज किया था? उन्होंने मिसयूज कर रहे हैं, और कोई होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव पोर्टफोलियो लेकर DCC बैंक, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और दूसरे जो कोऑपरेटिव फेडरल फेडरेशन के एक्टिविटीज़ है उसको कोई तंग नहीं किया, वो अलग ही डिपार्टमेंट था, बोले इन्होंने वो अपने हाथ में लेकर लोगों को डराने का कोशिश की। अब महाराष्ट्र में जितने भी डर के भाग गए, या तो शुगर फैक्ट्री के अंदाज से, या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में उनको कर्जा नहीं मिला या कर्जा लिए वापस नहीं दिया, ऐसे थ्रेटन करके वो ले रहे हैं। वैसा ही वो संविधान का दुरुपयोग करेंगे, और करते हैं वो हमेशा। नहीं तो ये एक आपकी तरफ से बार बार आरोप लगता है, और आपके घोषणा पत्र में भी है कि जो सेंट्रल एजेंसी इसका मिसयूज़ किया गया है, और आंकड़े भी उसकी गवाही देते हैं कि भाई विपक्ष पर ज़्यादा कार्रवाई हुई है, लेकिन मोदी जी ने तो ये कहा कि अगले 100 दिन में जब मैं सरकार में आऊँगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये मैं और ज़ोर से चलाऊँगा। कौन बोले उनको, कौन बोले, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई करो, लेकिन बगल में लेके मत बैठो। आज जितने भी लोगों को तुमने भ्रष्टाचार के नाम से थ्रेटन करके लिया है, फिर उनको पार्टी में लेकर राज्यसभा मेंबर बनाते हो, मिनिस्टर्स बनाते हो, कई जगह तो चीफ मिनिस्टर के लिए भी वो लोग काबिल कर लिए, लेकिन बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बना लिए। सी, आंखों को जो दिखता है उसको जरूरत नहीं कि बार बार एविडेंस देना, तो वो भ्रष्ट लोग है, तुम्ही लोगों ने कहा, और वही भ्रष्ट लोगों को लेके आप आज हुकूमत कर रहे हो। पहले तो बोले कि आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड, डेमोक्रेसी में कोई जीतो हारो वही करेगा, लेकिन तुम सब 446 MLAs को लिए, तोड़े फोड़े हर पार्टी के तरफ से, और उनको लेके राज कर रहे हो, और ये न्याय है, ये सत्य है, आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो और आगे करते हैं, अब क्यों नहीं? क्योंकि तुमको मेजॉरिटी हो रहा राज्यसभा में, एक को फोड़ के तुम ले रहे हो, और हमारे पास चीफ मिनिस्टर जैसे आदमी, एक चीफ मिनिस्टर, उनको भी आप डरा डरा के लिए, तो ये उनका कहना बिल्कुल गलत है।